Hey guys, welcome to Adult Tech Guru। मेरा नाम विवेक और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि YouTube का जो वीडियो होता है उस पर कितने वीडियो हम डालें तो उस पर जो है व्यू आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अपडेटेड रहे। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे कभी नहीं मिल, मे बी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, आने वाले जो यूट्यूबर होंगे वो बना सकते हैं, बट अभी तक मैंने जो सर्च किया तो अभी तक ये वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया है। तो ये वीडियो का माध्यम आपको बताने का यही है कि यूट्यूब पे कितना हम वीडियो डालें तो हमारा व्यू जो है आना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली यूट्यूब का एल्गोरिदम आप सबको पता ही होगा कि यूट्यूब जो है हमेशा नए जो यूट्यूबर होते हैं उनका जो वीडियो होता है उसको वो ऑटोमेटिक प्रमोट करते हैं, दूसरे व्यूअर के सामने लेके आते हैं। बट यहाँ पे हम जो ये कह सकते हैं कि कितने वीडियो हम डालें कि हमारा जो व्यू है वो ऑटोमेटिक आना हमारे पास शुरू हो जाए, तो इसका कोई मिनिमम वो नहीं है, अमाउंट नहीं है कि हम इतना वीडियो डालें तो व्यू आना हमारा शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल अभी मैंने भी देखा है जिसपे 100-200 वीडियो है बट उस पर अभी भी व्यू नहीं आते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चैनल है जिसपे 5-6 वीडियो है और उस पर अच्छे खासे व्यू मिल जाते हैं। ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि हम कितना वीडियो डालें तो हमारा व्यू जो है आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप वीडियो कैसा बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने बनाया, तो हो सकता है कि इस पे अच्छे खासे व्यू आ जाए। अब बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो आप कमेंट करेंगे भाई नीचे कमेंट में कि भाई पहले अपना खुद का तो व्यू बढ़ा ले। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, जब तक कोई सामने से बंदा नहीं देखेगा, पहला बंदा कोई तो होगा जो देखेगा मेरा वीडियो, जब तक वो नहीं देखेगा तब तक मेरा व्यू कैसे बढ़ेगा? वैसे ही व्यू बढ़ता है भाई, और कोई रीजन नहीं है। तो इसके लिए कोई ये ऐसा नहीं है कि आप कितना वीडियो डाले तो आपका व्यू जो है आना शुरू हो जाता है। YouTube हमेशा नए चैनल को प्रमोट करता है, हमेशा दूसरे के सामने लेके आता है कि आप भाई इस वीडियो को देखे। सिंपली आपको करना क्या है तो आपको अच्छा कॉन्टेंट बनाना है, ऐसा कॉन्टेंट जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया हो या बनाया हो तो इसकी अमाउंट बहुत कम हो, मतलब जो कह सकते कंपटीशन, आज की जो दुनिया है कंपटीशन पे काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपको सर्च करना है कि कौन से टॉपिक पे कंपटीशन कम है, और कंपटीशन कम उसी टॉपिक पे होगा जिस पे वीडियो कम होगा, तो आपको वो सर्च करना है। अब ये आप सर्च कहाँ से करेंगे? तो आप बहुत सारे बंदे हैं ऐसे कि मैंने भी वीडियो बनाया है ऑफकोर्स कि ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से लाए, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके या आई बटन ऊपर जो दिख रहा है आपको वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने बताया कि ट्रेंडिंग टॉपिक आप कहां से ढूंढ सकते हैं। भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो व्यू आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बहुत अच्छे व्यू आते हैं, बट आप जैसे यहाँ पे हजारों करोड़ों ऐसे यूट्यूबर है जो बैठे रहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर, वो वीडियो बना लेते हैं और व्यू लेके चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप पीछे रह जाते हैं तो ऑफकोर्स कि आपके पास अभी नया यूट्यूबर है तो आपके पास जो है लाइटिंग कैमरा माइक बहुत अच्छे अच्छे होंगे नहीं, तो ऐसे में वो जो यूट्यूबर होते हैं वो व्यू लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से आएगा, ऐसा टॉपिक अब लाना है कि अभी तक YouTube पे नहीं आया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, खुद से मेहनत करना होगा। आप खुद से क्या, आपको माइंड लगाना होगा, अपना जो माइंड है उससे आप क्रिएटिव सर्च कीजिए कि बंदा ने अभी तक YouTube पे ऐसा कौन सा वीडियो नहीं बनाया। जैसे कि मैं आज बैठे बैठे ऐसे मेरे माइंड में आया ये चीज़ कि मैं चलो इसको सर्च करता हूँ, तो इस पर मुझे किसी का वीडियो नहीं मिला। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आप जानती हैं, लेकिन किसी का ये टॉपिक पे वीडियो नहीं था कि भाई हम कितने वीडियो डालें तो हमारा व्यू आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यही एक बार और बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितना वीडियो, अगर आप एक वीडियो डालते हैं अगर वो भी आपका ऐसा वीडियो डाल दिया आपका कॉन्टेंट अच्छा, आप कॉन्टेंट का कहने का मतलब आपको ये नहीं है कि आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, कॉन्टेंट क्वालिटी में ये कभी नहीं आता। हाँ, ऐसा कॉन्टेंट होना चाहिए कि बंदे को अपनी और अट्रैक्टिव हो, थंबनेल ऐसा बनाइए कि अट्रैक्टिव हो, वहाँ अगर उसके पास जैसे YouTube वीडियो भेजे तो वो एक बार जरूर उस वीडियो को क्लिक करे, तो इस तरह से आप अपना व्यू कमा सकते हैं। तो भाई ऐसा और कुछ नियम नहीं है कि आप कैसे कितना वीडियो डाले, तो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ, मैंने लगातार 30-40 वीडियो डालते रह गया बट मेरा कोई व्यू नहीं आया, 10-15 व्यू आते रह गया। तो इस तरह से आप भी थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे बट लास्ट तक आपको व्यू आ जाता है। तो मेरा मेन मकसद यही है आपको बताने का कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक वीडियो में भी आप अच्छे खासे व्यू और सब्सक्राइबर ला सकते हैं अगर वीडियो आपकी चल जाए तो। चलने के लिए आपको ऐसा, अब जैसे आप कोई बंदा अगर मे भी सर्च करे, जैसे मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया और इस टॉपिक पे अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है जहाँ तक मैंने सर्च किया,
हो सकता है बना हो या आने वाले समय में ये वीडियो बन भी सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो नहीं बनेगा, बन भी सकता है अगर ट्रेंडिंग टॉपिक में जाता है तो आपको पहले सर्च करना है, आपको माइंड लगाना है, बैठना है एक जगह, पहले बैठिए, देखिए, सर्च कीजिए, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ हमने ये चीज़ मुझे चाहिए, तो ये चीज़ आप सर्च करेंगे तो भाई नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए था कि भाई कितने वीडियो डालो तो मेरा व्यू आना शुरू हो जाएगा, तो मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे ही सर्च किया मैंने, मुझे अब नहीं मिला तो आप उस चीज़ों पे आप अपना खुद का वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से आप भी अपना व्यू और सब्सक्राइबर ला सकते हैं। तो और बाकी कोई तरीका नहीं है कि हम कितना वीडियो डालें, अगर आपका वीडियो, फिर से वही बात है कि आपका वीडियो अच्छा रहेगा, आप कुछ अलग करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, तभी जाके आपका जो है व्यू या सब्सक्राइबर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ आपको इससे मोटिवेशन मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपको हमेशा हेल्प करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।